हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, इसी हफ्ते के अंदर अंडर 13,000 के लिस्ट में 3 नए फोन ऐड हुए हैं और इन तीनों स्मार्टफोन में हमें तगड़े लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जो फीचर्स हमें 15,000 के स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं, वही सेम फीचर हमें अंडर 13,000 के स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। और सच कहूँ तो 13,000 का प्राइस पॉइंट इस समय पर एक सबसे अच्छा प्राइस पॉइंट है अपने लिए एक बेस्ट फोन परचेज करने का। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी के समय पर अंडर 13,000 के लिस्ट में काफी तगड़े स्मार्टफोन ऐड हो गए हैं। तो मैं आपको टॉप 5 बेस्ट एंड तगड़ा सा स्मार्टफोन बताने वाला हूँ अंडर 13,000। जैसे कि अंडर 13,000 सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद 120 हर्ज रिफ्रेश रेट। बाकी 6000 मिली एम्पीयर की बड़ी सी बैटरी एंड उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और इन सभी स्मार्टफोन में लेटेस्ट गेमिंग चिपसेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो फुल्ली फीचर्स लोडेड स्मार्टफोन है ये पांचों ही। तो दोस्तों, अगर आपका भी बजट 12,000 से लेकर 13,000 के बीच में है और अपने लिए इस समय पर एक तगड़ा और परफेक्ट स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैसे इस समय पर मोटो और इन्फिनिक्स दोनों ही तगड़े लेवल के कंपटीशन दे रहे हैं रियलमी और शॉमी और सैमसंग को। मोटोरोला रियलमी और शॉमी को टक्कर दे रहा है, जबकि इन्फिनिक्स मोटोरोला को टक्कर दे रहा है। तो दोस्तों, नंबर 1 पर हमने रखा है सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन को। तो इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 11 और ये फोन आपको 12,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। और 12,000 के प्राइस पॉइंट पे शायद ही हमें ऐसा फोन देखने को मिला है अभी तक। काफी तगड़े लेवल के फीचर्स के साथ आता है, चलिए डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाता है। ओप्पो रेनो 6 की तरह डिजाइन देखने को मिल रहा है, फ्लैट सा डिजाइन देखने को मिलता है। 7.9 mm थिकनेस के साथ आता है, मतलब ये फोन आपको स्लिम देखने को मिलने वाला है, पतला डिवाइस है। 184 ग्राम वेट के साथ आता है, मतलब भारी भी नहीं है, लाइट वेट फोन है। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में अच्छा स्मार्टफोन है, नो डाउट, देख सकते हो काफी अच्छे डिजाइन के साथ आता है। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस फोन का हाईलाइटेड फीचर है। तो इसमें हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो 12,000 के प्राइस पॉइंट में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, वो भी बड़ा सा डिस्प्ले है। 750 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, मतलब कंटेंट कंजप्शन में काफी मजा आने वाला है। T2X1 का ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। नॉर्मल 60 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 180 हर्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन A+ है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन XOX 10। तो थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर मिलेंगे आपको क्योंकि इन्फिनिक्स का UI है। ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं, ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और थर्ड कैमरा AI लेंस दिया गया है। रियर कैमरे से UHD में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS में। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि U-Notch के साथ आता है। फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि DTS ट्यूनिंग के साथ आता है। चलिए बात करते हैं इस फोन के सेकंड मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि है इस फोन का बैटरी और चार्जर। तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है, वो भी 12,000 के प्राइस पॉइंट में, जो कि इससे पहले शायद ही किसी और स्मार्टफोन में हमें मिला है। 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मिलेगा MediaTek G88 का चिपसेट, जो कि 12 nm पर बना हुआ है और ये एक गेमिंग चिपसेट है। 2,10,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है। आराम से आप नॉर्मल लेवल की गेमिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। प्राइस की बात करें तो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के लिए 11,999 रुपये पे करने होंगे। फिलहाल तो ये फ़ोन 4/64 के साथ ही अवेलेबल है, जिसके लिए आपको 12,000 रुपये पे करने होंगे। लेकिन इसमें आपको 6/128 वाला भी ऑप्शन मिलने वाला है, जिसके लिए आपको 14,000 रुपये पे करने होंगे। तो अगर आपको 12,000 के नीचे फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला फ़ोन चाहिए, जिसमें 33 वॉट का चार्जर भी हो, तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। साथ में ये फ़ोन पतला भी है, डिज़ाइन वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन भी देखने को मिल जाते हैं। 12,000 के नीचे सबसे अच्छा स्मार्टफोन अभी के समय पर यही है। दोस्तों, नंबर 2 पर हमने रखा है Realme 8i को। ये फोन भी वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इसमें हमें 120 हर्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि इस फोन में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं इस फोन के प्रोसेसर से। इस फोन में आपको ब्रांड न्यू MediaTek G96 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा रियर साइड में,
में प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि सैमसंग का सेंसर है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि मैक्रो लेंस है, और थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरे से 1080p में 30 और 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ स्लो मोशन, टाइम स्लैप और भी बहुत सारे कैमरा फीचर देखने को मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन रियलमी UI 2.0। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 मिली एम्पीयर बैटरी के साथ आता है। उसी के साथ 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो प्लास्टिक का फ्रेम और पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाती है। 8.5 mm के थिकनेस के साथ आता है, ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले काफी अमेजिंग देखने को मिलेगा। 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ आता है, लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 480 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि कंपनी ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में ये फोन बेस्ट रहने वाला है, स्पेशली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, काफी अमेजिंग बात हो जाती है। बाकी प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 13,999 रुपए पे करने होंगे। कुछ बैंक ऑफर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको रियलमी की तरफ से इस प्राइस रेंज में अपने लिए एक बेस्ट फोन चाहिए तो डेफिनेटली ये फोन बेस्ट रहने वाला है। सभी स्मार्टफोन के बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और नंबर 3 पर हमने रखा है एक और तगड़ा सा स्मार्टफोन को, तो इस फोन का नाम है Moto G31। मोटो का पहला ऐसा फोन है जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, आप देख सकते हो, रेटिंग देख सकते हो। हालांकि अभी कम ही लोगों ने रेटिंग दिया है, लेकिन दोस्तों सच में इस फोन के अंदर काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। शुरू करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से, तो डिजाइन वगैरह देख सकते हो, अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है। 8.5 mm थिकनेस के साथ आता है एंड 180 ग्राम वेट के साथ आता है, तो ये फोन ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा भारी भी नहीं है, ठीक ठाक वेट और इन हैंड फीलिंग के साथ आता है। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें हमें 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिल जाती है एंड उसी को चार्ज करने के लिए 20 वॉट का चार्जर दिया गया है। तो बैटरी बैकअप से इशू नहीं मिलेगा क्योंकि ये फोन नियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे ये होता है कि बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम हो जाती है, किसी भी तरह का ब्लॉटवेयर, स्किन और एड्स नहीं देखने को मिलेंगे जो कि अदर्स कंपनी के स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, मोटो ने प्रॉमिस किया है कि इसमें आपको क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस फोन का जो बिग हाइलाइटिंग फीचर है वो है इस फोन का डिस्प्ले। इसमें हमें 6.47 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अप टू 700 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो आउटडोर यूजर्स में या फिर इंडोर यूजर्स में डिस्प्ले के मामले में कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है। फ्रंट में पंच होल के साथ 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p में 30 fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे। तो कैमरा के मामले में ये फोन भी डिसेंट है प्राइस के अकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो इसमें हमें मीडियाटेक G85 का चिपसेट मिल जाता है जो कि एक 4G चिपसेट है। 2 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि एक ठीक ठाक स्कोर है। 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है ये प्रोसेसर, तो डे टू डे लाइफ में कोई इशू नहीं मिलेगी, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। चलिए पहले बात करते हैं प्राइस कितनी है, तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 12,999 रुपए पे करने होंगे। इसी में आपको दूसरा वेरिएंट भी मिल जाता है, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, जिसके लिए आपको 15,000 रुपए पे करने होंगे। तो मेरे ख्याल से 15,000 में इस फोन को आप कंसीडर मत करना, क्योंकि 15,000 के नीचे काफी तगड़े स्मार्टफोन है इसके अलावा भी। तो फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ये फोन उन यूजर्स के लिए है जो लोग थोड़े बहुत गेम खेल लेते हैं या फिर वीडियोस वगैरह ज्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया के लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो ये फोन उन यूजर्स के लिए है। और नंबर 4 पर हमने एक नॉन चाइनीज फोन को रखा है, सैमसंग गैलेक्सी F22। अंडर 13,000 की लिस्ट में सैमसंग की तरफ से ये फोन भी सबसे ज्यादा सेल हुई है, ये वाला फोन भी, स्पेशली सैमसंग का है, तो डिस्प्ले, बैटरी और UI तो काफी अच्छे मिल ही जाएंगे आपको। चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस फोन में भी हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से, तो ये फोन भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाता है। 9.4 mm थिकनेस के साथ आता है, मतलब ये फोन आपको मोटा फील होने वाला है, एंड 203 ग्राम वेट भी है, तो थोड़ा सा भारी भी लग सकता है, और भारी लगना भी स्वाभाविक है क्योंकि इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि काफी बड़ी सी बैटरी है।
लेकिन उसी को चार्ज करने के लिए सिर्फ 15 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा। तो बैटरी बैकअप से तो इशू नहीं मिलेगी, बस चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी अगर हम कंपेयर करें अदर स्मार्टफोन से। तो बाकी एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन वन यू आई 3.1, सैमसंग पे मिनी के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है मतलब दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाएगा आपको, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें हमें 6.4 इंचेस की HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है लेकिन सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है। बाकी 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है तो ब्राइटनेस से भी आपको ज़्यादा इशू नहीं रहेगी। COG का प्रोटेक्शन दिया गया है, हालांकि ये नहीं पता चल सका कि कौन सा प्रोटेक्शन है इस पर, तो डिस्प्ले के मामले में आपको शिकायत नहीं मिलेगी, सैमसंग का डिस्प्ले है तो अच्छा ही मिलेगा आपको। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मीडियाटेक की तरफ से G80 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 12 nm पर बना हुआ है और ये भी एक गेमिंग चिपसेट है, 2,10,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, डिसेंट और नॉर्मल लेवल की आप गेमिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। सैमसंग का फोन है तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउन रहेगा ही अगर हम कंपेयर करें अदर स्मार्टफोन से। तो बाकी ये फोन क्वाड रियर कैमरे के साथ आता है तो कैमरा अच्छा मिल जाएगा इसमें आपको, प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और दो और सेंसर दिए गए हैं 2-2 मेगापिक्सल के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। रियर कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि वी नॉच के साथ आता है तो इस बात का ध्यान रखना, बाकी फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। प्राइस की बात करोगे तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 12,999 रुपये पे करने होंगे और 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपये पे करने होंगे। तो मेरे ख्याल से इसका भी बेस वेरिएंट वाला ही ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है। अगर हम समराइज करें एक लाइन में तो अगर आपको 13,000 के नीचे सैमसंग की तरफ से या फिर नॉन चाइनीज एक बेस्ट फोन चाहिए तो अभी के समय पर यही एक अच्छा फोन है। बात करते हैं अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो नंबर 5 पर हमने रखा है अब तक के सबसे तगड़े स्मार्टफोन को, तो इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 11s। अब ये फोन भी कल ही लॉन्च हुआ है और इन्फिनिक्स ने इस फोन में भी हमें काफी अच्छे फीचर्स दिए हैं, चलिए डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से, तो ये फोन भी पॉली कार्बोनेट बॉडी के साथ ही आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, हालांकि डिजाइन आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे डिजाइन के साथ आता है, 8.7mm थिकनेस के साथ आता है, मतलब ज्यादा मोटा भी नहीं होगा और ज्यादा पतला भी नहीं होगा। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं जो कि इस फोन का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड फीचर है, तो इसमें आपको 6.95 इंचेस की फुल HD प्लस बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, ऑलमोस्ट 7 इंच का डिस्प्ले है इस फोन के अंदर जो कि IPS पैनल के साथ आता है लेकिन 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो कि काफी कमाल की बात हो जाती है, 180 हर्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, इस पे भी आपको T2X1 का ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मीडियाटेक G96 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि एक गेमिंग चिपसेट है और ये चिपसेट भी 12nm पर बना हुआ है, 3,30,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है और ये काफी पावरफुल चिपसेट है, गेमिंग वगैरह कर सकते हैं नॉर्मल और मॉडरेट लेवल के, UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है मतलब डेटा ट्रांसफर भी आप काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे, ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन XOX 10। ये फोन भी ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है और थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, इसमें भी आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलेगा, रियर कैमरे से UHD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps में, फ्रंट में पंचोल के साथ 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें भी हमें 5000mAh की बैटरी मिल जाती है एंड उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए इसमें भी आपको 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। प्राइस की बात कर लेते हैं तो 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के लिए 12,999 रुपये पे करने होंगे, इसमें आपको 8GB रैम एंड 128GB वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा जिसके लिए आपको 15,000 रुपये पे करने होंगे। तो इस फोन में आपको डिस्प्ले अच्छा मिल जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा, साथ में बैटरी और चार्जिंग स्पीड भी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी तगड़े फीचर्स दिए हैं इन्फिनिक्स ने दोनों ही स्मार्टफोन में। तो दोस्तों यही थे मेरे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर ₹13,000, इनमें से आप किसी को भी परचेज कर सकते हो, बाकी आप मुझे जरूर बता के जाना कि आपको इन पांचों में से बेस्ट कौन सा लगा और आप कौन सा परचेज करने की सोच रहे हो, और अभी भी आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।